ये देखिए, ये सऊदी अरेबिया का सिलेंडर है, उसको मैं उठाता हूँ। ये एक उंगली है, इसको ऐसे लिया देख सकते हैं, एक उंगली से सिलेंडर यहाँ के उठ जाते हैं, देख लीजिए। ये रोड इतनी ज़्यादा बिजी रोड है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। उस साइड में देखिए हमेशा ट्रैफिक रहता है, इस साइड में भी ट्रैफिक रहता है, लेकिन अभी नहीं है। और वो सामने जो कुबरी है देख सकते हैं, वो कुबरी, उसका नाम है अल शेख जाबिर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। मैं हूँ आपका दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है कुछ 4 बज रहा है और मैं आया तभी इब्राहिम को उसकी जॉब पर, उसके वर्क पर छोड़ने के लिए, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ घर, वैसे भी कुछ है नहीं, तो अभी कुछ मालूम ही नहीं है कुछ है कि नहीं है। तो आज है जुमरात है, तो ड्यूटी तो लगनी है क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरी मैडम जाएंगी, जब जाएंगी तो बताएंगी आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से पूछते हैं, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भाई भी अच्छा है, तो आगे पीछे बच जाते हैं, ना कोई इंडिकेटर ना कोई विंडिकेटर। चलिए चलते हैं। तो ये है पानी का गोडाउन, अभी हम यहाँ पर आए हैं पानी लेने के लिए। तो देख सकते हैं बाबा बाहर सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये पानी लेने के लिए है, पानी ले लेते हैं, चलते हैं। उसके बाद जाना है थोड़ा स्वीट लेने के लिए। तो मुझे मालूम है, मैं लास्ट टाइम गया था वहाँ पर, आप लोग को भी दिखाया था शायद, मुझे याद नहीं है। तो बाबा के साथ अभी वहाँ जाएंगे शायद, आज पार्टी घर पर है या फिर कहीं जाना है, तो जो भी होगा बताएंगे। बने मेरे साथ, अभी पानी लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। ये बॉटल अपनी है, खाली है, 8 बॉटल है। तो ये वाले कार्टून जो हैं, ये कुछ 330 ml के हैं, नहीं 200 ml का है। ये कार्टून चाहिए अपने को 25 कार्टून, अभी 2 ले जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है, कल ले जाएंगे सुबह 23 क्योंकि अभी पानी की बॉटल भी हैं, वो 8 बॉटल है वही आ जाएंगी यहाँ पर। 2 ये ले जा रहे हैं, 8 पानी की बॉटल ले जा रहे हैं, अभी 23 गत्ते बाकी रह जाएंगे, वो कल ले जाएंगे। पेमेंट कर देंगे अभी, लेकिन बाद में ले जाएंगे उसको। और यहाँ पर अभी गाड़ियाँ वगैरह बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती है यहाँ पर पानियों की। ये देखो सुबह शाम खाली पानी उतरता रहता है, ये शॉप है इसकी। हर ब्रांड का पानी मिल जाएगा यहाँ पर। पानी उतार रहा है, मैं वीडियो बना रहा था, बोलता है ये क्या कर रहे हो, हमने कहा वीडियो बना रहे, बोल रहा क्यों, हमने बोला यूट्यूब की वजह से, अब सऊदी है उसको पता नहीं मालूम हो व्लॉग क्या होता है क्या नहीं, तो मैंने बोला व्लॉग, बोलता अच्छा व्लॉग, हमने कहा हाँ व्लॉग। अभी हम आए हैं स्वीट लेने के लिए, जैसे कि आप लोग को बताया था। स्वीट, ये स्वीट की शॉप है, इसका नाम देख सकते हैं बसभूषा, यही स्वीट है। इंग्लिश में बसभूषा को डिलीशियस बोलते हैं, डिलीशियस स्वीट, देख सकते हैं। बाबा अभी अंदर गए हुए हैं, जैसे मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अगर मैं अकेले आता तो मैं जाता लेने के लिए, बाबा गए तो क्या करना अपने को जाके। अभी 2 बॉटल पानी लिया है, 2 कार्टून पानी लिया है, बाकी 23 कार्टून अभी बाकी है,
और बॉटल भी नहीं लिया, सब कल लेने के लिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर जल्दी आना था, तो वहाँ लादना फिर उतारना बहुत टाइम लगता था। ये पीछे रोड देख सकते हैं, इस रोड का नाम है अल शेख जाबिर, और यहाँ सामने आगे दमाम रोड के नीचे एक कुबरी है, उसको उसका नाम है अल शेख जाबिर। जाबिर नॉर्मली कुवैत के अमीर का नाम है जाबिर, तो उस उनके नाम पर ये रोड बनी है अल शेख जाबिर। ये रोड इतनी ज़्यादा बिजी रोड है, देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। उस साइड में देखिए हमेशा ट्रैफिक रहता है, इस साइड में भी ट्रैफिक रहता है लेकिन अभी नहीं है। और वो सामने जो कुबरी है देख सकते हैं, वो कुबरी उसका नाम है अल शेख जाबिर। अब शायद आप लोग कुबरी नहीं जानते होंगे, कुबरी जो ब्रिज के नीचे से रोड जाती है उसको कुबरी बोलते हैं, ब्रिज को नीचे पुल जो होता है उसको कुबरी बोलते हैं, पुल को कुबरी बोलते हैं। तो जो लोग नहीं है आए हैं यहाँ पर या फिर आएंगे कभी, तो उनको पहले से मालूम हो जाएगी ब्रिज के नीचे जो रोड जाती है उसको कुबरी बोलते हैं, तो ब्रिज को पुल को कुबरी बोलते हैं। तो यहाँ पर कुबरी के नाम से चलता है, कुबरी किस कुबरी के बाद है, हर कुबरी का नाम होता है, जो रोड उसके ऊपर से जाती है उस नाम उस रोड के नाम से कुबरी का नाम पड़ जाता है। जैसे कि ये रोड जा रही है तो इस रोड के नाम से इस कुबरी का नाम पड़ गया कि अल शेख जाबिर कुबरी, बस ऐसे ही जानते हैं रोड को। बाकी तो फिर एग्जिट होता है, उसके बाद एरिया होता है, बस यही है। फुल कराने के लिए सिलेंडर इतना हल्का है ना, मैं इसको एक उंगली से उठा सकता हूँ। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए ये लिया एक उंगली और ये लिया, देख लीजिए एक उंगली से उठा दिए सिलेंडर को, इतना हल्का सिलेंडर है ये, देखिए आप लोग खुद देखिए एक उंगली से इतना हल्का सिलेंडर है। अभी इसको जा रहे हैं भरवाने के लिए, भरने के बाद इतना हल्का रहता है कुछ कहने को नहीं। आप दो सिलेंडर एक ऐसे उठा सकते हो, दो सिलेंडर एकदम आराम से उठा लोगे, बहुत हल्का है। बहुत बेस्ट लगा हमको ये कि इतना हल्का सिलेंडर यहाँ पर है। अभी चलते हैं गैस लेके आते हैं, उसके बाद जो को बताएंगे। तो अभी ड्यूटी लग गई है, ड्यूटी मेरी मैडम की नहीं लगी, मेरे घर वालों की नहीं लगी, किसी की नहीं लगी है, लेकिन मेरी मैडम की बहन को लाना है क्योंकि आज जुमेरात है, जुमेरात को पार्टी होती है। तो मेरी मैडम की जो बहन है उनके यहाँ कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, आज मुझे भेज रही है कि जाओ उनको ले आ जाए। ठीक है चलते हैं। अभी मैं बाबा को छोड़ने के लिए गया था उनके मामा के वहाँ, वहाँ मामा को उनके बाबा को मामा के वहाँ छोड़ा, कबीर मामा, उसके बाद वहाँ से बाबा की मामा को लेके आए घर पर। तो फिर कुछ दिनों से बाबा की मामा एसी घर पर रह रही हैं, और तो रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए। तो अभी यहाँ से जाएंगे 33 नंबर पर, तो चलते हैं 33 नंबर पर, पेट्रोल डाल लें, पेट्रोल डाल लें उसके बाद चलते हैं। तो अभी मैंने 20 रियाल का पेट्रोल डाला है, तो डालना था ज़्यादा का, लेकिन बाबा मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे मेरे कार्ड में, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे, सर्वर नहीं आ रहा था जिसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो बोले कि 20 रियाल मेरे पास छुट्टे पड़े हैं, ले लो जाओ डलवा लो, उसके बाद देखा जाएगा बाद में। तो 20 रियाल का डलवा लिए, फिर भी आधा टंकी हो गई यार, पहले था जी, अभी 8 बज गए हैं और आधी टंकी है, चलते हैं लेके आते हैं उनको। ठीक ही है लेकिन छोड़ने भी जाना पड़ेगा यार, अब सुबह निकलेंगे ये लोग, अगर कोई उस साइड से इनकी बहन आई तो लेके चली जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझे छोड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा, कबीर मुश्किल है। मैंने बोला था ना आज खमीस है, खमीस होने से क्या होता है आप लोग को मालूम है, सोने से ये प्रॉब्लम होती है, देख सकते हैं आप इस साइड में ट्रैफिक, इस साइड में तो बहुत लंबा जितना देख सकते हो आप आंखों से देख लो, ये होता है खमीस होने से। अभी मैं मुझे निकल के लगभग 12 मिनट हो गए, अभी मैं एग्जिट 1 भी नहीं पहुंचा हूँ, एग्जिट 1 नहीं एग्जिट 8, वरना 12 मिनट में तो मैं एग्जिट 9 पहुंच जाता हूँ। देख लो ये होती है खमीस को ट्रैफिक, खमीस जुमा ट्रैफिक इज कंपल्सरी, यू कांट अवॉइड ट्रैफिक, किसी भी रोड में घुस जाओ, गली में घुसो, किधर भी घुसो, ट्रैफिक आपको मिलना ही है। पता नहीं मैं एग्जिट 33 नंबर कितनी देर में पहुंचूंगा, एग्जिट 33 नंबर यहाँ से कम 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर है अभी नहीं 32 किलोमीटर नहीं है 40 किलोमीटर, हाँ 40 किलोमीटर है। ये है रियाद पार्क और ये है दायरी, अभी थोड़ा सा जैम खाली हुआ है, ट्रैफिक खाली हुआ है, देख लीजिए स्पीड
सो गाइस अभी हम घर पहुंच गए और अभी टाइम हो गया 10:30। यहाँ से मैं निकला था लगभग 8 बजे के आसपास, 2.5 घंटे हो गया है। एक्चुअली सिर्फ एक मैडम को लाना होता है, जो मैडम की लगभग 6 बहनें हैं, तो अगर एक को लाना होता तो जल्दी आ जाते, लेकिन पहले एक को एक के घर गए, वहाँ पर थोड़ा वेट किया, जब वो आए उसके बाद दूसरी बहन की वहाँ गए, उनका वेट किया, जब वो आई तो फिर सबको ले के इधर आए हैं, तो हो गया टाइम। चलो अभी खाना वगैरह कुछ बनाया नहीं है, देखते हैं कुछ छोटा मोटा बनाते हैं, भुर्जी बनाते हैं या फिर मैगी बनाते हैं, फिर कुछ भी बनाते हैं, खाते हैं थोड़ा पेट में, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, जो भी होगा बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इब्राहिम को लेने के लिए जाना है 12 बजे, कितना 10-11, 1.5 घंटे बाद। अभी मैं रूम के अंदर जा ही रहा था, दरवाज़ा खोला ही था कि मामा का फ़ोन आ गया फिर। सो अभी जाना है बगाले से, कुछ सब्ज़ी लाना है, माजूम तमाद तो टमाटर को बोलते हैं, टमाटर को जो है अरबी में तमाद बोलते हैं, तो माजूम क्या है शायद उसका पूरा नाम हो, माजूम तमाद, कहीं माजूम कुछ और होगा, तो चलते हैं। शायद खीरा वीरा होगा, ये लोग खीरा बहुत खाते हैं ना, खीरा बहुत खाते हैं, और गाजर का भी कुछ ऐसे गजरा नाम होता है, समथिंग मिलता नाम होता है, तमाद तो टमाटर से मिलता हुआ नाम है, गजरा होगा तो गाजर से मिलता हुआ नाम है कि नहीं, और आलू का नाम इसे बतातस, हाँ बतातस, मुंबई आलू को मुंबई में अपने लोग के तो आलू बोलते हैं, लेकिन मुंबई में आलू को बटाटा बोलते हैं, तो मुंबई के हिसाब से मिलता है हुआ नाम है बतातस, आलू को बतातस बोलते हैं अरबी में। तो चलते हैं, पहुँच के कॉल करते हैं, और भी कुछ लेना होगा तो बताएंगे। नाउ टाइम टू गो फॉर इब्राहिम, अभी मैं जा रहा हूँ इब्राहिम को लेने के लिए, और अभी मैंने मैसेज किया था उसको, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया 10 मिनट तक, उसके बाद थोड़ी बार रिप्लाई आया, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि फिर मामा की जो नाती है उसने बोला कि वापस आ जाओ, उसको वापस गया तो बोला मुझे बकाले लेके चलो, उसको बकाले लेके गया, थोड़ा बहुत सामान लाया, चीज़ लाया खाने के लिए अपने, तो वो सब लेके आया, उसको बाद उसको घर छोड़ा, 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट इतनी देर में तो मैं पहुँच जाता हूँ, 12 मिनट 14 मिनट बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में ट्रैफिक होता नहीं है, आज ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा, आज होगा क्योंकि जुमरात है ना आज, चलते देखते कैसे कि आज होता है कि ट्रैफिक कि नहीं होता है, 2 मिनट हो गए मुझे घर से निकल के, देखते आज ट्रैफिक होता है कि नहीं होता है, इतनी समय तो हमेशा खाली मिलती थी रोड, लेकिन आज जुमरात है तो आज मिलती है कि नहीं मिलती देखते हैं। ट्रैफिक तो नहीं मिला इसके वजह से, ट्रैफिक की वजह से जल्दी पहुँच गया, मतलब 15 मिनट लगा है, मैं स्लो स्लो आया, ज़्यादा फास्ट नहीं आया हूँ, तो टाइम वेट कर रहा है ज़्यादा बाहर वेट के, क्योंकि मुझे फ़ोन भी आया था, मैंने कहा पाँच मिनट लगेगा, लेकिन 7 मिनट लग गया, एक मिनट का टाइम ध्यान मतलब कि काउंट रखता हूँ कितनी देर में पहुँच रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इस एग्जिट में मैं कितनी देर पहुँच जाऊँगा विदाउट ट्रैफिक। मैं हंस इसलिए रहा हूँ, मैं यहाँ से कितने बजे गया था, 12 बजे इब्राहिम को लेने के लिए, और अभी टाइम जानते कितना हो रहा है, 2:30 बज रहा है। 12 बजे लेने गया, 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पहुँचा वहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा आ गया, उसके बाद बोलता है मेरे कज़न की वहाँ चलो, कज़न की वहाँ गए, वहाँ पर मोहम्मद था, तो मोहम्मद को लेने के लिए जाना था, गए वहाँ पर, लगभग वहाँ से 28 या 29 किलोमीटर दूर है, उसको लेने के लिए गए, उसको लिया, उसके बाद ये काम से आ रहा था, कुछ खाया नहीं था इसने, आज घर पे पार्टी है, कुछ बना ही ना होगा, वो खाने ही को नहीं मिले घर पे, तो उसके बाद ये चला गया वहाँ से होटल में, होटल में ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके वापस आते आते 2:30 बज गया। ये होती ड्राइवर लाइफ, इन लोग का दिमाग घूम जाते, 100-200 किलोमीटर ऐसे घुमाते, मैंने कल शाम को सर्विस कराई थी, अभी तक मेरी गाड़ी 450 किलोमीटर चल चुकी है, कल शाम को कराई थी सर्विस। तो मैंने कहा अभी मैं आ गया हूँ, खाना पीना तो मैं पहले खा चुका था, तो मैंने कहा वीडियो को एंड कर ले, क्योंकि 2:30 बज गया, अभी वीडियो एडिट करेंगे फिर अपलोड करेंगे, अभी मैडम की बहनों को छोड़ने भी जाना पड़ेगा, तो ठीक है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कर दे, नए है तो सब्सक्राइब कर दे, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।